हैमर क्या, हैंड हैमर के बारे में आप लोग अभी पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब जो है हम लोग स्लेज हैमर के बारे में चर्चा करेंगे। स्लेज हैमर का प्रयोग भारी कार्यों के लिए किया जाता है। इसका वजन 2 किलोग्राम से लेके 10 किलोग्राम तक पाया जाता है, जिसे कि आप लोग घन भी कहते हैं। घन को आप लोग देखे ही होंगे कहीं पे, जब हम लोग बड़ा मात्रा में कोयला तोड़ते हैं, कहीं कहीं पे मकान उकान को भी तोड़ते समय देखे होंगे। और इसके अतिरिक्त आप लोग फॉर्जिंग शॉप लोहार के पास में इस घन का उपयोग निश्चित रूप से देखे होंगे। घन के प्रयोग करके लोहार अर्थात ब्लैक स्मिथ फॉर्जिंग वर्क को संपन्न करता है। फॉर्जिंग का मतलब होता है कि मेटल को गर्म करके उसे एक निश्चित आकार देना, उसे हैमर से पीट करके एक निश्चित आकार देना, यह क्रिया फॉर्जिंग कहलाती है। अतः फॉर्जिंग शॉप में इसका बृहत रूप से प्रयोग होता है। आइए हम लोग स्लेज हैमर का फोटो देखें। यह एक स्लेज हैमर का फोटो है। यह फोटो से आप लोग भली भांति परिचित ही होंगे। यह 2 किलो से 10 किलोग्राम का पाया जाता है और जितना यह भारी होते जाएगा उतना अधिक भारी कार्य के लिए यह प्रयोग होगा। ब्लैक स्मिथिक शॉप में इसका प्रयोग करते हैं फॉर फॉर्जिंग वर्क। पावर हैमर का प्रयोग भारी कार्यों के लिए किया जाता है। इसमें हम लोग या तो मोटर के द्वारा या हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक प्रेशर के द्वारा मेटल पे हम लोग मशीन के द्वारा प्रहार करते हैं। यह क्रिया अक्सर फैक्ट्री में की जाती है और यह इसके द्वारा हम लोग मास प्रोडक्शन करते हैं। चौथा प्रकार सॉफ्ट हैमर का है। सॉफ्ट हैमर का प्रयोग हम लोग हल्के कार्यों के लिए करते हैं। वैसे कार्य जहां पे जॉब क्षतिग्रस्त ना हो और उसका विशेष प्रयोजन हो, उस जगह पर हम लोग सॉफ्ट हैमर का प्रयोग करते हैं। सॉफ्ट हैमर का मतलब है जैसे कि लकड़ी से बने हुए हैमर, नायलॉन से बने हुए हैमर, कॉपर के हैमर, प्लास्टिक के हैमर, रॉ हाइड हैमर, ये सब प्रकार के हैमर सॉफ्ट हैमर है। सॉफ्ट हैमर का प्रयोग हम लोग वैसे जगह पे करते हैं जहाँ पे हमको फिनिशिंग वर्क देना होता है। इससे हम लोग मेटल पे चोट देते भी हैं और उस पे चोट का निशान भी नहीं पड़ता है, जिससे हम लोगों का मेटल जो है उसकी फिनिशिंग बरकरार रहती है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे सोनार के यहाँ एक हल्का मेटल का जो है हैमर होता है, जिससे कि आभूषण पे चोट करने पर उसके निशान आभूषण पे नहीं आते हैं। उसी तरह बर्तन के दुकान वाले भी कुछ हैमर रखते हैं, जब वो बर्तन कहीं पे टेढ़े मेढ़े या उसमें डेंट पड़ जाता है तो उसको सीधा करने के लिए वो सॉफ्ट हैमर का प्रयोग करते हैं, जिससे कि बर्तन सीधा भी हो जाए और उस पर कोई गहरा निशान भी नहीं पड़े। आइए एक एक करके कुछ खास सॉफ्ट हैमर की चर्चा करते हैं। सबसे पहला मैलेट। मैलेट कड़ी लकड़ी का बना हुआ हैमर होता है। कड़ी लकड़ी का मतलब है कि शीशम, टीक आदि जो कड़ी लकड़ियां हैं उससे यह हैमर का निर्माण होता है। इस हैमर का प्रयोग शीट मेटल वर्क में करते हैं। खास करके जो बक्सा बनाने वाला होता है वो इस हैमर का प्रयोग करता है और बर्तन के दुकान वाले भी इस हैमर का प्रयोग करते हैं। इस हैमर का प्रयोग करने से चोट देने से जॉब के ऊपर गहरे निशान नहीं पड़ते और उसका फिनिशिंग बरकरार रहता है। मैलेट का फिगर आप देख सकते हैं। मैलेट का फिगर है जो कि कड़ी लकड़ी के द्वारा बना हुआ है। दूसरा यहाँ पे एक रबड़ का मैलेट बना हुआ है, इसका भी प्रयोग हम लोग फिनिशिंग और हल्के कार्यों के लिए करते हैं। सॉफ्ट हैमर में एक प्रकार का एक और हैमर नाम आता है जिसे कि हम लोग रॉ हाइड हैमर कहते हैं। रॉ हाइड हैमर का बॉडी स्टील का बना होता है और उसके दोनों ओर
चमड़े लेदर का प्रयोग किया जाता है। लेदर का प्रयोग करने के कारण इसका प्रयोग हम लोग फिनिशिंग वर्क के लिए करते हैं और हल्के कार्यों के लिए करते हैं। तीसरा नायलॉन हैमर। नायलॉन हैमर में हैमर के दोनों ओर नायलॉन के टुकड़ों को चिपका दिया जाता है। यह हैमर नायलॉन का बना होता है। नायलॉन भी एक ऐसा कड़ा पदार्थ है जिससे कि हम किसी मेटल पे चोट मारते हैं तो उसका निशान नहीं पड़ता है और वो मेटल सीधा भी हो जाता है। अगला लीड हैमर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लीड या लेड एक भारी धातु है। शीशा एक भारी धातु है और उस धातु का बना हुआ हैमर नेचुरली भारी होगा और वो प्रकृति में सॉफ्ट होता है। क्योंकि भारी होने के कारण जब हम किसी फिनिशिंग वर्क पे उसका प्रहार करते हैं तो वो मेटल सीधा हो जाता है और उसकी गुणवत्ता भी खराब नहीं होती, उसका फिनिशिंग भी खराब नहीं होता। इसलिए हम लोग लीड हैमर का प्रयोग भारी चोट मारने के लिए करते हैं। अगला प्लास्टिक हैमर। प्लास्टिक हैमर जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि प्लास्टिक का बना होता है और इसका प्रयोग भी हल्के कार्यों के लिए किया जाता है और इससे जो हम चोट मारते हैं इससे जो है कोई निशान नहीं पड़ता और इससे मेटल या जॉब जिसके ऊपर हम लोग चोट मारते हैं उसके ऊपर उसकी फिनिशिंग खराब नहीं होती है। हैमर का प्रयोग हम लोग कार्य के अनुसार करते हैं। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग वजन का हैमर का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग जब पंचिंग कार्य करते हैं तो पंचिंग कार्य के लिए मार्किंग हैमर का प्रयोग किया जाता है। मार्किंग हैमर का वजन 250 ग्राम होता है। उसी प्रकार अलग अलग कार्य चिपिंग वर्क के लिए और अधिक भारी कार्य के लिए अलग अलग वजन का हम लोग हैमर का प्रयोग करते हैं। हैमर का प्रयोग करने के वक्त कुछ सावधानी पे ध्यान देना जरूरी है। हैमर का हैंडल ढीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट का खतरा रहता है। हैमर का हैंडल ओवल होना चाहिए। अगर गोल हैंडल का प्रयोग करेंगे तो हैमर हैंडल के अंदर चारों ओर घूमने लगेगा जिससे वो कभी भी निकल कर बाहर जा सकता है और किसी को भी एक्सीडेंट के जरिए नुकसान पहुंचा सकता है। अतः हैमर हमारे लिए एक बहुत ही उपयोगी इक्विपमेंट है जो कि इंजीनियरिंग वर्कशॉप में प्रयोग किया जाता है। अगले क्लास में हम लोग एक नए सब्जेक्ट के साथ फिर आपके पास उपलब्ध हो गए। तब तक के लिए धन्यवाद।